चुनाव आयोग ने मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी एनसीपी और सीपीआई के राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता को खत्म करने पर कारण बताओ नोटिस पर उनके विचार सुनने के लिए एक बैठक बुलाई। पिछले लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में इन दलों के प्रदर्शन के बाद बनी परिस्थितियों के आधार पर चुनाव आयोग ने तीनों दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। आयोग से मुलाकात के बाद इन दलों ने बताया कि उन्होंने आयोग से और अधिक समय दिए जाने की मांग रखी है। There are elections due in several states, assembly elections, and election commission should wait till those elections are over. There is a need to consider why not we have the proportional representation system. That also I raise this with the election commission. पिछले लोकसभा चुनावों में इन तीनों राष्ट्रीय दलों की स्थिति को देखें तो बसपा 4.1% मत पाकर देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली। एनसीपी का वोट प्रतिशत 1.6 था और उसे 6 सीटें मिली, और सीपीआई का मतदान प्रतिशत 0.8% था और उसे मात्र 1 सीट मिली। राष्ट्रीय दर्जा बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों को कम से कम 4 राज्यों में या लोकसभा में 6% वोट और 4 लोकसभा सीटें, या कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की सीटों का 2% यानी 543 में से 11 सीटों का मानदंड पूरा करना होता है। अब इन दलों को आगामी चुनावों में अपना प्रदर्शन सुधारना होगा ताकि राष्ट्रीय दल का दर्जा बरकरार रखा जा सके या फिर से प्राप्त किया जा सके। ऋषि कुमार, DD News, दिल्ली।